रतन टाटा, भारत रत्न रतन टाटा और टाटा ग्रुप के चेयरमैन जब नैनो का प्लांट लगा रहे थे सिंगूर में, तो उन्होंने 1 लाख का लॉन्चमेंट कर दिया था क्योंकि कस्टमर को। अब उस 1 लाख का कार प्रोडक्शन करके देने के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी, तो उन्होंने उसी प्लांट के अंदर जो एसलरी है उसका भी प्लांट खोल दिए थे, जिसका कारण क्या हुआ कि टाटा नैनो को जो एसलरी है उसको पार्ट्स देने में आसानी हुआ, ट्रांसपोर्टिंग कम हुआ और 1 लाख में कार दिया गया, वह कमिटमेंट था। यही पॉलिसी आज एक जमशेदपुर के बहुत बड़े टाइकून और वह सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के उसी पॉलिसी को अपना रहे हैं। मेरा नाम सुनील बागड़ोदिया है, कलकत्ता में मेरा बर्थ हुआ और इनिशियल मेरी पढ़ाई लिखाई सब कलकत्ता में हुई। मेरे पिताजी ने इस बिज़नेस की शुरुआत 1965 में कलकत्ता से की थी। कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे सब जगह व्यवसाय को बढ़ाते हुए बाद में हम लोगों ने जमशेदपुर में ऑफिस खोला 1998-1998 में, आज से ठीक 25 साल पहले। उस टाइम पे हम लोग SKF के डिस्ट्रीब्यूटर थे और ओवर द पीरियड कस्टमर की तरफ से जब हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला तो हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ाते हुए अभी हम लोग 14 ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें नो डाउट SKF इज़ प्राइम। इसके अलावा हमारे पास कैस्ट्रॉल है, MLT है, विडिया कैना मेटल वगैरह वगैरह, टोटल 14 ब्रांड है। सर, आपके बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहे हैं, टाटा स्टील सामने है, टाटा मोटर सामने है, इधर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया सामने, तो क्या कारण है कि सर यहाँ पर आपने बड़ा सा वायर हाउस खोले, स्टॉक किस्ट खोले, और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस को इतना अच्छा सिस्टमेटिक सजाया गया? जब हम कलकत्ता से जमशेदपुर शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे भी ये था कि क्या मटेरियल मिलेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप का प्रोडक्ट है कि हर घंटे कंपनियों को 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया का नुकसान होता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम कस्टमर के क्लोज में पहुंचने लगे, कस्टमर को सर्विस देने लगे, तो उनकी हमसे डिमांड और बढ़ती गई। पहले हम थोड़ा सा स्टॉक रखते थे, फिर उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हमको और स्टॉक रखना पड़ा, और अभी जो हमारी बिष्टुपुर की ऑफिस है वो छोटी पड़ने लगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट और बढ़ने लगी, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बड़ा वेयर हाउस बनाया जाए, जो कि फिर यहाँ पे हमने बनाया। प्लस जो हमारे कस्टमर, हम लोग पूरे झारखंड में काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत से लोगों के, मतलब हमारे टीम मेंबर्स के लिए भी हमको काफ़ी जगह की ज़रूरत थी, तो हमने एक बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस भी बनाया जहाँ कि हमारे सारे टीम मेंबर आराम से बैठ सके और उसको काम को इंजॉय कर सके। यदि काम को इंजॉय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यही हमारा सोचना है, उसी के लिए हमने ये बनाया। सर, टाटा स्टील से बेस्ट वेंडर का अवार्ड भी आपको मिल चुका है, तो सर जो टाटा स्टील के जब MD और CEO साहब ने जब आपको अवार्ड दिया तो सर उनका क्या वर्ड था? टाटा स्टील की तरफ से हमारे पास में ये रहता है कि भाई आप इनोवेटिव काम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और उनके जो ब्रेकडाउन टाइम है उसको बचाओ, जो भी आप अपना कमिटमेंट करते हो उसको पूरा करो। उनके 3-4 चीज़ें जो है जो हम उनसे बहुत कुछ सीखे हैं और उसी को हमने फ्लोर पे ला के उनको सर्विस देने की कोशिश की, जिसका कि ये नतीजा है कि हमको बेस्ट वेंडर का अवार्ड मिला टाटा स्टील से। सर, कंपनी तो 24 आवर प्रोडक्शन करती है, तो जो आपका जो वेयर हाउस है जो शिफ्ट बिष्टुपुर से यहाँ डोबो में शिफ्ट हुआ है, तो क्या सर 24 आवर ये रन करेगी? कोई भी इमरजेंसी कॉल किया जाता है या हमारे व्यूअर के माध्यम से कोई भी इंडस्ट्री वाले अगर आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो सर क्या 24 आवर काम करती है वेयर हाउस?
जैसा कि मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि कंपनी को एक लाख एक घंटा यदि हम लेट करें तो 10-20 लाख का नुकसान हो जाता है, इसलिए एकदम स्टार्टिंग से ही हम लोग इस चीज़ पे ध्यान दिए। 24/7 ऑफिस में भी हम लोग 24/7 सर्विस देते थे और यहाँ से भी हम लोग देते रहेंगे। रात में 2 बजे, सुबह 5 बजे, रविवार के दिन, शाम को हम होटल में अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, अचानक फ़ोन आ जाता है कि हमको ये बेरिंग की अर्जेंसी है, उस तरह के भी हम लोगों ने सर्विस दिया है जो कि यहाँ से भी कंटिन्यू रहेगी। सर, क्या क्या ब्रांड है जिसमें आपने शुरुआत से किया था और आज आपके पास कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड है? शुरुआत हमने SKF से किया था, SKF के साथ हम लोग लगभग 50 साल से जुड़े हैं। उसके बाद में जब ये आया कि वन रूफ सॉल्यूशन का जब कॉन्सेप्ट आया तो हम लोगों ने और काफ़ी ब्रांड्स लिए हैं, जिसमें कि मेजर हमारा है वीडिया कैनामेटल है, कैस्ट्रॉल है, MLT का कन्वेयर बेल्ट सॉल्यूशन है। इसके अलावा और ब्रांड जो हमारे पास में वूर्थ है, वाइकस है, वेंट है, इस तरह से मिला के हम लोग टोटल 14 ब्रांड का काम कर रहे हैं। सर, आपकी जमशेदपुर, रांची, दिल्ली, कटक, कोटा और कलिंगा नगर, कोलकाता, इतने जगह सर आपकी सप्लाई होते थे, वहाँ से भी कस्टमर आते हैं? आपने जो नाम बतलाया वो सब जगह हमारी ऑफिस है, टोटल इंडिया में हमारी 10 जगह ऑफिस है और हम लोग लगभग नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में सब जगह सप्लाई करते हैं। आइए आपको शोरूम और वेयरहाउस में दिखाते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है और इसके जो टीम है, इनके जो स्टाफ है, उनके रिलेशन क्या है, वह कस्टमर को क्या चीज़ को ध्यान देकर काम करते हैं, यह सब भी हम उनसे डिस्कशन करेंगे, आपको दिखाएंगे। सर, ये हमारी फ्रांस की टेक्नोलॉजी वाली है जो कन्वेयर बेल्ट जॉइंटिंग के काम में आता है। अभी एट प्रेजेंट जो है हमारा जो बेल्ट जब डैमेज होता है तो उसमें हॉट जॉइंटिंग और कोल्ड जॉइंटिंग किया जाता है, जो कि 8-10 घंटे लगता है। उस समय को कम करने के लिए हम लोग का ये फॉरेन टेक्नोलॉजी है, जो कि सुपर स्क्रू के द्वारा हमारा बेल्ट जो जॉइंट होता है इस तरह से टॉप और बॉटम स्काइविंग होके, उसके बाद ये मेटल इंसर्ट है, इसमें स्क्रू के थ्रू ये जॉइंट होता है, परमानेंट जॉइंट है, जो कि 2.5 आवर्स, जो कि 8-10 घंटा जो लगता है उसको 2.5 आवर्स में ये कंप्लीट कर देता है। ये माल है आप ही लोगों के पास है? जी यस सर, ये हमारा फ्रांस से आता है, उसके बाद हम लोग इसको डिलीवर करते हैं और सर्विस का काम भी हम ही लोग ही देते हैं, सेल्स प्लस सर्विस दोनों का काम हम लोग करते हैं। कितना दिन से सर ये सप्लाई कर रहे हैं? ये लगभग ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है, 1.5 ईयर्स हो गया है इसको आए हुए और एट प्रेजेंट ये हमारा टाटा स्टील में लग चुका है, RMBB1 में लगा है, पैलेट प्लांट में लगा है। इसके अपार्ट हमारे पास बेल्ट क्लीनिंग का भी इक्विपमेंट है, जिसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रैपर बोलते हैं, जो कि बेल्ट क्लीन करता है और ये भी काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो कि दूसरे स्क्रैपर से काफ़ी अलग है। उसके अपार्ट हमारे पास स्टार्ट ट्रैकर भी है, जिससे बेल्ट स्वे होने से या बेल्ट आउट ऑफ ट्रैक होने से स्टार्ट ट्रैकर जो वो आपको स्ट्रेट लाइन में बेल्ट को अलाइन करके रखता है, ये भी एक नया है सर। ये तो हर कंपनी का जरूरत है, टाटा स्टील की, छोटी बड़ी बड़ी सब कंपनी में जी हर जगह जितना भी आयरन स्टील प्लांट है, जहाँ भी कन्वेयर बेल्ट्स लगे हुए हैं वहाँ ही इसका एप्लीकेशन है। जी, मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ और मैं सर्विस इंजीनियर हूँ MLT का। क्या क्या सीखे, आप इंजीनियर भी है? यस सर, लगा कि इस कंपनी में आपका यस सर, और मैं भी खुश हूँ सर MLT के साथ जुड़ के। कितना दिन से सर आप इस कंपनी में अपनी सर्विस दे रहे हैं? सर 2 साल हो गया हमको। क्या क्या सीखे जो स्टूडेंट इंजीनियर बनेंगे? यस सर, या उनके लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ है सर इसमें, जैसे जिस प्रकार से हमारा इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं स्क्रैपर्स का, टोटली इंजीनियरिंग है इसमें फुली, जिसको अलाइनमेंट करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पुली सब में अलाइन होता है, अगर ये थोड़ा से भी इधर उधर हो जाने से हमारा पुली को डैमेज कर सकता है, तो ये भी एक क्रिटिकल टाइप से ही जॉब है सीखने का। और सेम हमारा जैसे सुपर स्क्रू है, ये हमारा जो है ये भी थोड़ा डिफरेंट है, एक 33 डिग्री एंगल में काटा जाता है, उसके बाद ये
फिट किया जाता है सर। ओके सर, गुड आफ्टरनून, आई एम आशुतोष कुमार फ्रॉम टेक्नोमैक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। एंड सर, अभी कांदरबेड़ा में सर पूरी सिल्ली में हमारा न्यू ऑफिस इनॉग्रेशन है आज, और हमारा न्यू ऑफिस यहाँ पे खुला है, और इसमें सर आप यहाँ जितना भी प्रोडक्ट देख रहे हैं इस सारे प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं, जिसमें कि सर हमारा एक प्रोडक्ट ये वुर्थ मेक है। वुर्थ में सर ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, यूनिवर्सल कूलर है। लिक्विड क्या है सर ये? सर ये सर ये एक BMF क्लीनर है, बायोडिग्रेडेबल मल्टी फंक्शनल क्लीनर। ये सर एक्चुअली बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल पार्ट को क्लीन करने के लिए लोग डीजल यूज़ करते हैं, ग्रीस मोबिल को क्लीन करने के लिए, तो ये सर डीजल का रिप्लेसमेंट है। ये सर वाटर सोल्यूबल है, और इसको हम लोग पानी के साथ 1:10 के रेशियो में मिला के इसको यूज कर सकते हैं। और ये सर आपका डीजल से अगर कंपेयर करेंगे सर, तो आपका 45 to 50% रेस्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव है। आपका डीजल सर आज के रेट में मार्केट में अगर 95 रुपीज़ लीटर है, तो ये सर आपका अप्रॉक्स 55 रुपीज़ पर लीटर आएगा। सर स्किन के लिए भी क्या हार्मफुल नहीं है? सर ये स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है सर, इसका आप इजिली स्टोर कर सकते हैं, इजिली कहीं भी डिस्पोज कर सकते हैं, और इसको इसका सर कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऑलरेडी सर हम लोग काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स में इसको काफ़ी हाई क्वान्टिटी में सेल कर रहे हैं। कौन कौन कंपनी ले रही है उसको सर? इसको अभी रिसेंटली हमारा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, ISWP और भी बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज में सर इसको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। बोला क्या है लिक्विड जो? सर ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सर, ये लिक्विड मेटल एफ ही है, ये दो ट्यूब आता है, और ये सर एक्चुअली मेटल टू मेटल ज्वाइंट करने के लिए है। ये सर आपका अगर आपका मेटल पार्ट कहीं डैमेज हो गया, या मेटल पार्ट अगर टूट के दो पार्ट में हो गया, तो इसको सर आप लगा के उसको एक दूसरे से ज्वाइंट कर सकते हैं, और 10 से 12 घंटा छोड़ने के बाद आप इसके ऊपर मशीनिंग भी कर सकते हैं। मतलब वेल्डिंग का सब्स्टिट्यूट हो गया? यस राइट सर, बट ये लिक्विड फॉर्म में है, वेल्डिंग इज़ अ अनदर थिंग एंड दिस इज द अदर। अब ये सेटअप देख के आप सोच सकते हैं इनकी सोच कैसी है, तो इनको बेस्ट सेटअप का वेस्ट वेंडर का अवार्ड नहीं मिलेगा तो क्या हमको मिलेगा? है जो इस तरह का सेटअप का सोच रहे हैं और सोच लिए और इम्प्लीमेंटेशन कर दिए, मतलब उद्घाटन भी कर दिए, तो निश्चित रूप से जब एक अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ है, एक छत्ता के नीचे सब कुछ लोगों को मिलेगा कस्टमर, तो कस्टमर क्यों नहीं आएगा? वो क्यों 10 दुकान जाएगा? उसको मालूम है कि यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर मेरे ज़रूरत का सब सामान मिल जाएगा, तो 10 जगह जाने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो वेयर हाउस टाटा स्टील का है बगल में ही है आपका, तो इनका भी वो ट्रांसपोर्टिंग बचेगा कि टाटा स्टील का जो वेयर हाउस है वहाँ पर ये मटेरियल दे दिए और अपना निश्चित हो गए, अपने यहाँ ज़्यादा मटेरियल रखना भी नहीं है, ऑर्डर आया और वेयर हाउस में दे दिए। तो निश्चित रूप से बहुत साहसिक कदम है इनके द्वारा, और बहुत अच्छी सोच के तहत जिन्होंने इस तरह रखा, तो ये और सप्लायर के लिए एक माइलस्टोन। और मैंने उस दिन टाटा स्टील के अधिकारियों को कहा कि सुनील जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, और इसी को बेंचमार्क करते हुए आप सभी सप्लायर को बोलिए इस तरह का सेटअप करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका भी परेशानी दूर हो जाएगा, और हम लोग भी जो लोकल वेंडर की बात करते हैं वो भी परेशानी दूर हो जाएगी। उपाध्यक्ष जी, आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत मायने रखता है जमशेदपुर का इकोसिस्टम को बनाने के लिए, और जैसे सर का जो सोच है वह हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये स्टार्टअप जो कर रहे हैं, जो छोटे छोटे सप्लाई है जो कभी इंडस्ट्री में घुसते हैं, तो इससे क्या सीखना चाहिए? देखिए सुरेश जी, वेंडर मतलब एक पार्ट का इन्होंने ब्रीफ किया हमारे पूर्व अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स और केट के राष्ट्रीय सचिव ने, और मैं एक इंटरप्रेन्योर के नाते अपना दुख के साथ इसको जोड़ के देखता हूँ, नॉट सप्लायर नॉट वेंडर। वो क्या है, अगर एक बैरिंग ऐसा समय में कभी भी कोई ज़रूरत नहीं, हज़ारों बैरिंग लगती है एक फैक्ट्री में और सबका साइजेज अलग अलग होता है, और वो कब कब कितना आप स्टॉक रखेंगे उसका कोई मतलब कोई ठिकाना नहीं। हो सकता है कि कभी अगर एक हम स्पेयर रखे हुए हैं और उसका पूरा दो पेयर टूट गया, और उसके चलते पूरा लाइन मेरा प्रोडक्शन पूरा हैम्पर होगा, और यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन मिलना ये हम इंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और जिस तरह से इन्होंने सेटअप किया है और यहाँ आ करके हम लोगों ने जो यहाँ भ्रमण किया और देखा ये सेटअप में कि कोई भी चीज़ को ये पूरा इस तरह से चला भी सकते हैं, हमारे जो मेंटेनेंस का टीम है वो लोग को ब्रीफ भी कर सकते हैं कि किस तरह का इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, कैसे लगेगा, कैसे करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। बड़े इंडस्ट्री के साथ क्या है कि उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टॉक होता है, उनका बहुत बड़ा अपना हर तरह का एक होता है, कभी कभी ऐसा भी देखे हैं बैरिंग के बारे में कि उनका 2 साल या 3 साल का कोई ना लिखा हुआ है कोई कि 3 साल चलेगी है,
और 3 साल के अंदर अगर बेयरिंग यूज नहीं हुआ तो टाटा स्टील उसको ऑक्शन में निकाल देती है। तो इस तरह का टाटा स्टील के लिए तो ये काम बहुत बड़ा है ही है, ये हम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। इसके लिए हम टेक्नो ये अपना जो टेक्नोमेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के जो अपने सुनील जो हमारे अजीज मित्र भी हैं इनको और पूरे परिवार और पूरे टीम को बहुत हृदय से बधाई। ये बहुत बड़ा सोल्यूशन हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ये साबित होगा, बहुत बहुत बधाई इनकी। अभी आते वक्त और आइडिया आएंगे धीरे धीरे, जैसे अपना इंडिया अपना जमशेदपुर आगे बढ़ता जाएगा डेवलप होते जाएगा, वैसे वैसे अपना अपने पास भी और आइडिया आते जाएंगे आगे डेवलप करने के लिए। और जितना मेहनत मेरे पापा ने किया होगा आज तक इतना डेवलपमेंट के हेल्प में, उतना मेरे को नहीं लगता कि और भी उतना मेहनत कर पाता। मेरे लिए मेरे बेंचमार्क तो मेरे पापा का जो काम है वही रहेगा, मैं चाहता हूँ मैं उसके आगे काम कर पाऊँ।